कहानी ना कोई राजा ना कोई रानी। थोड़ा सा आकाश खुला है, थोड़ी सी माटी घोली है, जीते जागते इंसानों की मध्यम सांसों की बोली है। महका महका आपका पानी, सुनो कहानी, सुनो सुनो कहानी। हुई हमारी गुड़िया तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, कहीं तुझे किसी की नजर ना लग जाए। मैं तुझे लाल रेशम का लहंगा ला कर दूंगी, जयपुर की ओढ़नी, हाथों में सोने की कंगन, पाँव में चांदी की पाजेब। अरे अरे गुड़िया रानी, ससुराल चली है और ये सोने का हार तो पहनना ही भूल गई, और इसके बगैर जाएगी तो दूल्हे राजा नाराज नहीं होंगे। लो ये मेरा सोने का हार पहनो। हाँ ऐसे देखिरा, मेरे पिताजी ने कितना खूबसूरत तोहफा दिया है, मेरे जन्मदिन का उपहार। अच्छा है ना? बहुत अच्छा। तुम्हें भी चाहिए ऐसा हार? चाहने से क्या होता है? चाहने ना चाहने की बात छोड़ो, ये बताओ तुम्हें ऐसा हार चाहिए कि नहीं? देखो छोटी मालकिन रत्ना जी, ऐसा कीमती हार तो तुम्हें ही जचता है। हमारी छोटी सी झोपड़ी है, उसमें हार के साथ संभाल कहाँ हो पाएगी। कहीं बात है रा? ये अशरफी। अशरफी? तेने कहां से मिली अशरफी? जी वो सफाई करते हुए मिली। हैं? सफाई करते में अशरफी मिली? कमाल है, आने दो मुनीम के बच्चे को, आज ही उसकी जम के खिंचाई करता हूं। बहुत लापरवाह हो गया है, पिछले हफ्ते भी दो मोती चोरी चले गए थे, पर तमे सफाई में अशरफी मिली और तुम मारे पास ले आई। जी अशरफी आपकी है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें जानती है इस अशरफी की कीमत? नहीं। 10 चांदी के सिक्के बेटी। अच्छा एक बात बता, अगर तुम्हें इसकी असल कीमत मालूम होती तब भी क्या लौटा देती? हाँ सेठ जी, और माँ कहती है कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ले। नहीं नहीं सेठ जी, मैं इसे नहीं ले सकती। अरे रख ले बेटा रख ले, मैंने तेरी ईमानदारी से खुश होके तुझे इनाम दियो है, तू बड़ी ईमानदार लड़की है, ले बेटा रख ले। शाबाश। माँ ये देखो क्या है। ये सिक्का कहाँ से आया? सेठ जी ने दिया है। कौन सा सेठ इतना दयावान हो गया जो बैठे बिठाए झाड़ू पोछा करने वाली को ये सिक्का थमा दे? सेठ पारखीमल ने दिया है। क्यों, उसने क्यों दिया तुम्हें ये सिक्का? बस यूं ही दे दिया। यूं ही दे दिया, पर क्यों, सच सच बता। कहा ना, सेठ पारखीमल ने यूं ही दे दिया। हीरो? हाँ माँ। यूं ही दे दिया या चोरी की है तूने? मैंने चोरी नहीं की माँ, मैंने चोरी नहीं की, तुम्हारी कसम, भगवान की कसम, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। अच्छा बेटा अच्छा, अगर चुरानी होती तो मैं सोने की अशरफी ना चुराती। चुप हो जा मेरी बहन, चुप हो जा। अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना माँ? नहीं बेटा नहीं हूँ नाराज, नहीं हूँ। शाबाश बेटा शाबाश, तूने मेरी सीख याद रखी, शाबाश बेटा। देख मेहनत और ईमानदारी दुनिया में सबसे बड़ा धन है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। सुन तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने का लेके आती हूँ। हाँ आज तो घर में कुछ है भी नहीं, मैं कहीं से लेके आती हूँ। हाँ भिक्षा दे माई, भगवान तेरा भला करेगा। अभी आए बाबा। भिक्षा दे माई,
भगवान तेरा भला करेगा। बाबा ये चांदी का सिक्का ले लीजिए। नहीं बेटी, मुझे धन का मोह नहीं है, बस पेट भर जाए, मुट्ठी भर अन्न चाहिए। अन्न के नाम पर तो घर पे कुछ भी नहीं है बाबा, इसे स्वीकार कीजिए। नहीं बच्चा, धन छूना भी मेरे लिए पाप है। तुमने सच सच बता दिया कि तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, अच्छा बेटी हम चलते हैं। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए। माँ कहती है कि साधु संतों को दान करने से पुण्य मिलता है, आप इसे रख लीजिए बाबा। ये वही सिक्का है बेटी जो जौहरी पारखीमल ने तुम्हें दिया था। हाँ बाबा, पर आपको कैसे मालूम? हम अंतर्यामी हैं बेटी, तीनों लोगों का हाल जानते हैं। तुमने जौहरी को अशर्फी लौटाई और उसने तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न होकर ये सिक्का तुम्हें दिया, और वही सिक्का तुम मुझे दे रही हो जबकि तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं बेटी। लो ये लो। ये क्या है बाबा? हम तुमसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद स्वरूप ये मुर्गी तुम्हें दे रहे हैं। यह कोई साधारण मुर्गी नहीं है, एक चमत्कारी मुर्गी है जो तुम्हारा भाग्य बदल देगी। लेकिन हाँ, एक शर्त है, जीवन में कभी लालच मत करना, किसी से ईर्ष्या मत करना और सदा ईमानदारी के रास्ते पर चलना। और यदि तुम्हारे मन में लालच आया और तुम ईमानदारी के रास्ते से हटी तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे और ये मुर्गी वापस ले लेंगे। जी बाबा, मैं आपको वचन देती हूँ बाबा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। अच्छा बेटी, ये लो। अब हम चलते हैं बेटी, फिर मिलेंगे। बाबा बाबा बाबा, हीरा, मैं काम पे जा रही हूँ। उठ, उठ के हाथ मुंह धो ले, रोटी बना के रखिए, खा लेना। अरे बड़ी सुस्त हो रही है ये लड़की आजकल। चल उठ, मैं जा रही हूँ काम पे, रोटी खा लेना तू। अरे मैं तो भूल ही गई, बेचारी मुर्गी रात से टोकरी में बंद पड़ी है। मामूली मुर्गी नहीं है, ये चमत्कारी मुर्गी है। हे साधु बाबा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अरे मुर्गी रानी तू कितनी अच्छी है। अच्छा तू यहाँ आराम कर, मुझे काम पर जाना है। मैं तेरे लिए दाना ले आऊंगी, ठीक है? लाला कोई अच्छे से महंगे से कपड़े दिखाना। महंगे से क्यों बेटी, तुम्हारे लिए? हाँ हाँ अपने लिए। ठीक है, ये देखो। लाला ये कपड़े बांध दो और ये लो। अरे ये क्या तमाशा है, पैसे दे लड़की पैसे। पर ये सोने का है। तो मैं क्या करूँ, ये पैसे तो नहीं है ना, इसे लेकर चाटूंगा क्या? फिर क्या पता ये नकली निकला तो। ना बाबा ना, पैसे दे और कपड़े ले जा। सेठी, वो हार कितने का है? बहुत कीमती है वो। कितना भी हो इससे आ जाएगा क्या? ये क्या दे रही है? सोने का है। सोने का है तो तू क्यों दे रही है? क्यों, गला लेना? ना बाबा ना, नया दरोगा बड़ा चुस्त है, कहीं चोरी के इल्जाम में धर लिए गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पर ये तो बता, तुझे ये मिला कहाँ से? तुम्हें इससे क्या मतलब, सौदा करना है तो करो, नहीं तो। ना बाबा ना, मुझे माफ करो, कोई दूसरी दुकान जाके देखो।
खाली पीली मुसीबत गले पड़ जाएगी। सेठ जी वो क्या है कि? अरे बावली, इतनी उतावली काहे हुए होए? काहे चक्कर है? ये देखिए। ये काहे खिलौना है? खिलौना नहीं, अंडा है सोने का। सोने का है तो सोने का, शुद्ध सोना। कहाँ मिली हो? पहले बताइए, इसे खरीदेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर कहीं ये चोरी का तो नहीं? सेठ जी, आप तो जानते हैं कि मैं। पर बेटी, तू जरूर कुछ छुपा रही है, कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको विश्वास ना हो तो एक बार फिर परख लीजिए, शुद्ध सोने का है। वो बात नहीं है इरा, मैं एक जौहरी हूँ और मन्ने से कोई बात छुप नहीं सके। तो फिर? फिर यही कि तू भी एकदम खरी है, रुपया में 16 आने खरी। लेकिन सेठ जी, मुझे झोपड़ी के पीछे पड़ा मिला है अंडा और मैं आपके पास ले आई। अब आपको बोल तो तू अभी भी झूठ ही रही है, पर मारे को तो तारे पे पूरा विश्वास है। मैं ये जानता हूँ कि तू चोरी तो कर नहीं सकते, पर मारे को क्या। एले सेठी, वो हार निकालना। 5 अशर्फियों का है वो। कम तो नहीं? अच्छा, मेरा मुकाबला करती है? ठहर जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। देख रत्ना, मेरे से ऐसी बातें नहीं करा कर, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगी, भिखारन कहेंगी? तू क्या समझती है, सिर्फ तू ही अच्छे कपड़े पहनती है? हाँ हाँ, तू तो मेरे जैसे इतराने लगी है, अपने आप को ज्यादा ही बनती है। हाँ बनूंगी, तू क्या कर लेगी? मैं क्या कर लूंगी? हाँ क्या कर लेगी तू? छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लेगी? पिताजी से कहूंगी। ये काई हो रही हो, तमे लड़की हो रही हो? पिताजी से इरा की बच्ची को देख लीजिए, मुझसे मुकाबला करने चलिए, कहीं से नए कपड़े ले आई और मुझको चढ़ाती है। सेठ जी, इसे समझा लो, ये मुझे हर बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इरा बेटी, क्या काम है? रत्ना, तुम्हें अंदर चलो। सेठ जी, ये अंडा। इरा, लगता है थारे हाथ सोने के अंडों का खजाना लग गया है। खैर, तू एक अंडा रोज लाती जा और थैली लेती जा। लेकिन इरा, ये बात गांव में किसी से कहना मती, क्योंकि थारे अंडों की कीमत केवल मैं ही दे सके हूँ। हाँ हाँ सेठ जी, मैं जानती हूँ। लगता है इसके हाथों अलादीन का चिराग लग गया है। खैर, मन्ने क्या, मन्ने तो आम खाने से मतलब गुठलियों से क्या। इरा, ये सब क्या है? ये कपड़े, ये गहने, ये सिक्के, जरूर तूने चोरी की है। नहीं माँ,
मैंने कोई चोरी नहीं की। चोरी नहीं की तो क्या आसमान से टपका है ये सब? खरीदे हैं बाजार से। खरीदे हैं बाजार से? सच सच बतला, नहीं तो मैं तुझे। माँ ठहरो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। एक बार एक साधु बाबा आए थे, उन्होंने मुझे सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी दी। और तूने मुझसे ये राज छिपाए रखा? खैर देख बेटा, इस धन पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। क्यों क्यों अधिकार नहीं है? साधु बाबा ने मेरी ईमानदारी से प्रसन्न होके मुझे चमत्कारी मुर्गी दी है। मैं इससे जो चाहे करूं। मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहती हूँ, एक बड़ा मकान, एक हवेली और उस रत्नों के बच्चे को। बेटा तेरे मन में लालच और ईर्षा ने घर कर लिया है। मेरी माने तो ये सारा धन किसी नेक काम में लगा दे। तुम्हारा मतलब है मैं अंडा बेचकर पैसे मंदिर में चला दूं, भिखारियों में बांट दूं और खुद मैली कुचैली होकर रत्ना के घर झाड़ू पोछा लगाऊं? हीरा आइए आइए, हीरा जी आइए आइए। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते विराजिए। ये लीजिए। सर जी मेरा मकान जल्दी से जल्दी कितने दिनों में बन सकता है? वो दो अंडे रोज क्यों, तो एक हफ्ते के अंदर का मुहूर्त निकलवाया जा सकता है। अरे सेठ जी मुर्गी तो रोज एक ही अंडा देती है। मुर्गी? तो ये कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का चक्कर है, मुझे आज पता लगा। तो तुम अपनी मुर्गी से कहो कि दो अंडा रोज दिया करे। वो कैसे? वो ऐसे कि उसे डांटो फटकारो तो वो डर के मारे दो अंडा रोज देने लगेगी। ना बाबा ना, अगर रूठ गई तो मैं एक से भी गई। अच्छा ये बताओ इरा कि वो मुर्गी तुम्हें दी किसने? सेठ जी ये आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं मैंने तो यूं ही सोच रहा था। क्या? खैर छोड़ो कुछ नहीं। फिर भी पहले मुर्गी देने वाले का पता तो चले। वो तो आसमान में उड़ गए। मतलब? एक साधु बाबा आए थे, उन्होंने ही मुझे ये मुर्गी दी थी। तो उस साधु बाबा को ढूंढो, मुझे पता बताओ, मैं अपने आदमी दौड़ाऊंगा। पर साधु बाबा तो आसमान में गायब हो गए थे, बताया ना। ओफो ये कहीं चक्कर है। तो सेठ जी पैसे? वहां झोपड़ी में कहां रखोगी पैसे? और अंडे ले आना, फिर अपना घर बनाने के लिए ढेर सारे पैसे ले जाना। अपनी मुर्गी को बोलो एक अंडे के बजाय दो अंडा रोज दिया करे। ठीक है। ये ले मुर्गी रानी, दाना खा। हाँ, अच्छी तरह खा। मुर्गी रानी तू ना अच्छी तरह दाना खाया कर, तभी तो तंदुरुस्त रहेगी। मुर्गी रानी पता है जब से तू मेरे पास आई है ना, तूने तो हमारी काया ही पलट दी। पर मैं भी तुझे जान से बढ़कर चाहती हूँ। पता है मैं तेरे लिए शहर का सबसे महंगा और सबसे अच्छा दाना लाती हूँ। खा 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 और खा। हाँ खा। कितना करती थी रत्ना की बच्ची दाल भात कच्ची, पर मैंने इसके सारे एकड़ मिट्टी में मिला दी। मुर्गी रानी दुनिया में सबसे बड़ी चीज पैसा है, और पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद मुर्गी रानी। मुर्गी रानी मेरी एक इच्छा है कि मैं उस रत्ना की बच्ची को और नीचा दिखाऊं, अपने लिए एक बड़ी सी हवेली बनवाऊं, और रत्ना की हवेली से भी बड़ी हवेली। और तू तो जानती है कि हवेली बनवाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और तू तो रोज सिर्फ एक ही अंडा देती है। पर हवेली बनवाने के लिए हर रोज कम से कम दो अंडे तो चाहिए, इसलिए तू मुझे हर रोज दो अंडे दिया कर। ठीक है? तू मेरी बात समझ गई ना, मुझे रोज दो अंडे चाहिए, दो। अच्छा अब तू यहाँ आराम से सो जा। हाँ मैं तुझे बाद में देखने आऊंगी। मुझे दो अंडे चाहिए, दो अंडे तैयार रखना। हाँ कितना अच्छा सपना था।
महल, राजमहल और उसकी मालकिन इरा, यानी मैं खुद। अरे आज तो मुर्गी रानी ने एक नहीं दो अंडे दिए होंगे, चलकर देखती हूँ। हे मुर्गी रानी, मेरे सपनों को पूरा करने वाली, सजाने वाली। अरे तुझे क्या हुआ, अंडे क्यों नहीं दिए? सोने के दो अंडे कहाँ गए? अंडे बोल, मैंने तुझसे कल कहा था ना कि मुझे दो अंडे चाहिए, पर तूने तो एक भी नहीं दिया। तू मेरी खुशी से जलती है, जल्दी कर, मुझे दो अंडे चाहिए। सुना तूने, दो अंडे? अभी भी नहीं सुना? निकम्मी बेशरम। देख मुर्गी की बच्ची, मैं तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मुझे दो अंडे दे दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। इरा, ये क्या कर रही हो तुम? बाबा बाबा, अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना, इस मुर्गी की बच्ची को अंडे नहीं दे रही है, जबकि मैंने इससे दो अंडे मांगे थे। क्यों, एक अंडा पर्याप्त नहीं था तुम्हारे गुजारे के लिए, जो दो अंडों की इच्छा की? मुझे रहने के लिए एक सुंदर बड़ी सी हवेली बनवानी है। क्यों, इस झोपड़ी में क्या बुराई है? बुराई है, झोपड़ी में रहने वाले लोगों की बड़े लोग हंसी उड़ाते हैं। रत्ना हर समय मुझे नीचा दिखाने की सोचती रहती है, मैं उसे। हवेली बन जाएगी तो फिर महल की कामना करूंगी, और महल बन गया तो फिर स्वर्ग की, और उसके लिए फिर तुम्हें दो से चार और चार से आठ अंडों की आवश्यकता होगी, क्योंकि लालच की तो कोई सीमा नहीं होती। याद है तुम्हें, जिस दिन मैंने तुम्हें ये मुर्गी दी थी, उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि एक शर्त है, जीवन में कभी लालच मत करना, सदा ईमानदारी के रास्ते पर चलना, और यदि तुमने मेरी बातों का उल्लंघन किया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा और ये मुर्गी वापस ले लूंगा। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मैं तो तुम्हें एक नेक और ईमानदार लड़की समझा था, परंतु तुम तो बहुत लालची निकली। नहीं बाबा, मैंने तो कोई लालच नहीं किया। अच्छा, तो अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो। तुमने रत्ना से ईर्ष्या की, उसको नीचा दिखाने के लिए एक से दो अंडों का लालच किया, मुर्गी को जान से मारना चाहा। पर बाबा, रत्ना ने भी तो मेरा अपमान किया, मुझे नीचा दिखाया, बेईमान बताया, और मैंने तो अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए हार, कपड़े और रहने के लिए हवेली बनवानी चाहिए। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है? है, लेकिन तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी हैं। कहा तुम मेहनत में विश्वास करती थी, और अब दौलत के लालच में पड़कर अच्छे बुरे की पहचान ही भूल गई। रत्ना दौलत में पली बड़ी है, इसका यह अर्थ तो नहीं कि तुम उसका अनुकरण करो, तुम अपने आप को ही भूल गई इरा। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि आप अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और मुझ पर एक कृपा और कर दीजिए कि इस चमत्कारी मुर्गी को अपने साथ ले जाइए। मुझे नहीं चाहिए सोने के अंडे, नहीं चाहिए बड़ी हवेली, मैं इस झोपड़ी में ही खुश हूँ। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। बस बेटी, तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली, अब और अधिक प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम सदा मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलो, ईश्वर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। बाबा, बाबा। ना कोई राजा ना कोई रानी, दिल कहता है दिल की जबानी। सुनो कहानी।